नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नामदार है और मैं कामदार, जिसकी माँ अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, अब देश को एक्शन चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक सवाल के जवाब में कहा था कि जो लोग मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, मैं उन पत्थरों को सीढ़ी बना लेता हूं। ये प्रधानमंत्री का कहना है और ये शायद हम पिछले 8 सालों में देखते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी आप कह सकते हैं व्यक्तित्व के बारे में, आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हों या विरोधी हों, ये हर उस सवाल का जवाब है। ये हर किसी को मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी हमेशा हर हालात में अपनी एक अलग लकीर खींचते चले आए हैं और दूसरों को उन पर रिएक्ट करना पड़ा है अब तक जो उनका रिकॉर्ड रहा है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो उनकी सरकार के कामकाज को प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत के आईने में देखना बहुत जरूरी हो जाता है। 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश किस तरह आगे बढ़ा है, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या चुनौतियां रही हैं, ये सब कुछ टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे आपके सामने रखने जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के लिए ये सर्वे एजेंसी वीटो ने किया है और इस सर्वे में नॉर्मलाइज्ड रैंडम डिजिट डायलिंग का तरीका अपनाया गया है और सैंपल साइज लगभग 14,500 लोगों का है। और अगर आप देखें तो ये काफ़ी बड़ा सैंपल साइज होता है और आजकल फ़ोन किसके पास नहीं, गांव में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, छोटी से छोटे कस्बे में चले जाइए, तो मोबाइल फ़ोन पर बात करता हुआ हर आदमी आपको मौजूद मिलेगा। और तो और इस देश में हर किसी की एक राय है और वो राय हमने इस रैंडम डिजिट डायलिंग के थ्रू हमने कैद की है और आपके सामने लाने जा रहे हैं। आज इस सर्वे पर डिबेट करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सांसद हैं राज्यसभा के भी, सुभ्रांश राय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, रिजू दत्ता प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, घनश्याम तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। आइए बिना किसी समय को जाया किए पहले हम कुछ सवालों के जवाब जो लोगों ने दिए हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो ये था कि वो कौन सी बात है जो नरेंद्र मोदी को करिश्माई नेता बनाती है, और इस पर अगर आप जवाब देखें तो हमने ऑप्शंस दिए थे काम में ईमानदारी, घोर परिश्रमी, जरूरत पर कठोर फैसला लेने वाले, जनता से सीधा संवाद करने वाले। और अगर आप देखें तो 24% लोग समझते हैं कि काम में ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी उपलब्धता है और घोर परिश्रमी 30% लोग समझते हैं, 42% लोग समझते हैं कि जरूरत पर कठोर फैसला लेना उन्हें आता है। यानी कि सबसे ज्यादा सपोर्ट उनकी इस विषय में व्यक्तित्व के इस रूप को लोग मानते हैं कि वो जरूरत पर कठोर फैसला ले सकते हैं, जनता से सीधा संवाद ये 4% लोग, लेकिन जरूरत पर कठोर फैसला लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी एक ऐसे करिश्माई नेता हैं और इस बात पर जनता का सबसे ज़्यादा समर्थन उनको मिलता है। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी का कौन सा ऐसा फैसला है जो गेम चेंजर लगा। सबसे पहला ऑप्शन था आर्टिकल 370 का हटाना,
32% लोग समझते हैं कि ये गेम चेंजर था। राम मंदिर निर्माण में भूमिका 17%, सर्जिकल स्ट्राइक 27%, गेम चेंजर फैसले का अभी भी इंतजार है ये 24% लोग समझते हैं। लेकिन 32% लोग समझते हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाना, जो एक तरह से 72 साल का रुका हुआ एक फैसला था, वो उनका सबसे गेम चेंजर फैसला था। सवाल नंबर 3 जो हमने पूछा लोगों से, आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे बेहतर पीएम हैं? 100% मानते हैं, ऐसा 19% लोग कहते हैं। काफी हद तक सबसे बेहतर पीएम है ये 33%, और सबसे बेहतर नहीं है 22% कह नहीं सकते ये 26%, लेकिन 33% और 19% को अगर आप मिलाकर देखें तो 52% लोग समझते हैं कि अब तक के सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। चौथा सवाल, 8 साल में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे चुनौती वाला समय कौन सा था? और इस पर हमने लोगों की जब राय जानी तो कोरोना से निपटना 34% लोगों ने कहा कि कोरोना से निपटना उनका सबसे बड़ा चुनौती वाला समय था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन का दबाव 29% लोगों का कहना है कि ये सबसे चुनौती वाला था। बालाकोट स्ट्राइक के बाद हालात संभालना 22% लोग, 2019 में दोबारा जीत 15% लोग। तो कोरोना से निपटना ये 34% लोग समझते हैं कि उनका सबसे चुनौती भरा समय था। और पांचवा सवाल, ये सिर्फ सवाल नहीं है, मैं आपके पास आ रही हूं पांचवें सवाल के बाद सबकी राय जानूंगी कि यहां बैठे अन्य पार्टियों के प्रवक्ता क्या समझते हैं। पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में किस सेक्टर में सबसे अच्छा काम किया? इकोनॉमी 18%, डिफेंस 32%, विदेश नीति 36% लोग समझते हैं विदेश नीति में सबसे अच्छा काम हुआ, हर सेक्टर में ये 14% लोग कहते हैं। तो ये रहे आपके सामने पहले 5 सवालों के जवाब और जनता का फैसला। मैं पूछना चाहती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी के जनता जो कह रही है, शायद वो आईना होता है और शायद वो जरूरी भी होता है किसी भी पार्टी का जो सत्ता में है, क्या आप इन सब से वाकिफ रखते हैं? आप इन सब जो जवाब आए हैं जनता के, आपकी तरफ से जनता ने सही परखा है बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को? देखिए, आपके सर्वेक्षण में जो विषय बताए गए सिर्फ उन्हीं को देखें अगर, तो बताया गया कि सबसे जो चुनौतीपूर्ण समय था जिसमें उनको सबसे ज़्यादा महत्व माना गया जनता ने, 34% लोगों ने माना कोविड के दौर में, और 22% चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ था, अगर दोनों को जोड़ दें तो 56% हुआ। और नाविका जी, ये दोनों एक साथ हुए, आप सोचिए वो देश के लिए कितना कठिन समय था जब कोविड भी चल रहा था और चाइना के साथ स्टैंड ऑफ भी चल रहा था, उसके बावजूद जिस कुशलता से प्रधानमंत्री जी ने निकाला, वो अपने आप में निश्चित रूप से जो जनता ने अपना विचार व्यक्त किया है वो मुझे लगता है वो सामने लिखी इबारत की तरह स्पष्ट है। दूसरा, अगर आप देखें तो कठोर फैसले लेने को जनता ने सबसे अधिक सराहा है, 40% से अधिक लोगों ने माना है कि उनके व्यक्तित्व या करिश्माई नेता बनाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान कठोर फैसले लेने का। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं, कोई भी सरकार आती है अविका जी तो दो प्रकार के काम करती है, एक जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हम उससे बेहतर कर रहे थे, जिसमें बिजली, सड़क, पानी, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक जगह। दूसरा, जो पिछली सरकारें सोच रही थीं पर करने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि उसके लिए एक सुदृढ़ व्यक्तित्व होना चाहिए जो करिश्माई नेता बनाता है वो। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जीएसटी पिछली सरकारों ने सोचा था, नहीं कर पाए। अगर आप देखें तो बहुत से सेना के अधिकारियों ने बताया 26/11 के बाद सेना स्ट्राइक के लिए तैयार थी, हिम्मत नहीं जुटा पाए।
मोदी जी ने करके दिखाया, तो वो भी किया जो पिछली सरकारें कर रही थी, वो किया जो सोच रही थी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, और वो भी किया जो पिछली सरकारें सोच नहीं पाई, जैसे धारा 370 का विषय या श्री राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त करने का विषय, वह भी किया। और यहां पे मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक ऐड कर दूं जो शायद आम जनता को उतना ध्यान ना आया हो, जैसे सोलर एनर्जी में भारत को आगे आना चाहिए अगर पावर की आवश्यकताएं पूरी करनी है, 50% हमारी एनर्जी क्लीन एनर्जी से होनी चाहिए 2030 तक, यह तो सोच सकती थी पिछली सरकारें, पर सोलर एनर्जी का एक वर्ल्ड सोलर सेंटर बनेगा जिसका केंद्र भारत में बनेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, यह किसी ने नहीं सोचा होगा। WHO में कन्वेंशनल मेडिसिन का एक सेक्शन बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद के रूप में सबसे स्ट्रक्चर्ड नॉलेज बेस है सेंटर का, यह किसी ने नहीं सोचा था। योग को हम वैश्विक मान्यता दिलाएंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने वो तीन प्रकार के काम किए, वो जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, वो जो पिछली सरकारें सिर्फ सोच के रह गई, और वो जो पिछली सरकारों के सोच में भी नहीं आए, इसलिए वो स्वतंत्र भारत के सबसे अद्भुत प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई पड़ते हैं। शुभ्रांश राय, आपका मत इससे अलग है, क्योंकि ये तो सही बात है कि कांग्रेस ने खुद तय किया था कि टेम्पररी प्रावधान है आर्टिकल 370, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ी हटाने की। और जिस तरह की विदेश नीति पर प्रधानमंत्री को सपोर्ट मिल रहा है, डिफेंस पर सपोर्ट मिल रहा है आर्टिकल 370 पर, और कठोर निर्णय लेने में बिल्कुल चूकते नहीं हैं, इस बात का पब्लिक सपोर्ट दे रही है नरेंद्र मोदी को, क्या आप मानेंगे कम से कम आज के दिन जब 8 साल पूरे हो रहे हैं कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो हुआ है इन 8 सालों में? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को ऐसे शुरू करना चाहूँगा कि 8 साल और देश बेहाल, और जो आपका सर्वे है कि 34% लोगों ने माना है कि इन्होंने कोरोना में बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल आप सत्य कह रही हैं। 66% लोगों ने माना है कि इस देश में 47 लाख से ज़्यादा कोरोना में मौतें हुई, और उसका डेटा छुपाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो देश के साथ जघन्य अपराध है। 66% लोग ये मानते हैं कि जो कोरोना में महामारी में लोगों को जो मुआवजा देना चाहिए वो मुआवजा नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है। इस देश के 66% लोग मानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अपना पर्सनल ट्रस्ट और फंड बना रखा था, अपना NGO जिसमें इन्होंने पूरे देश से कोरोना पे पैसा कलेक्ट किया, देश दुनिया से, उससे लोगों की इन्होंने मदद नहीं की। एक दूसरा, शुभ्रांश राय जी, बस एक मिनट के लिए टोक रही हूँ, एक मिनट के लिए टोक रही हूँ, ये कांग्रेस का सर्वे था। नहीं नहीं, ये सर्वे आप कोट कर दीजिए ना, आपने कहा एक सर्वे हुआ है, आप सर्वे कोट कर दीजिए। नहीं नहीं, आप सर्वे कोट कर दीजिए प्लीज। आपका सर्वे कोट कर रहा हूँ मैडम, जो आपका आपने ये जो 14,000 के सैंपल साइज का सर्वे 0.0001% किया है, उसी सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज सुधांशु जी को जैसे देश ने सुना, सुनने तो दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ क्या क्या धोखा किया है। मुझे नहीं पता आप आगे क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगी, बट सुनिए प्लीज। दूसरा, इन्होंने जो 22% चाइना का जिक्र किया, बिल्कुल सर, वहां आपने 22% दृढ़ता और मजबूती के साथ काम किया, लेकिन 78% हिंदुस्तान के लोग मानते हैं कि चाइना का नाम लेने में नरेंद्र मोदी जी को पसीना आ जाता है, चाइना के नाम का जिक्र लेने में पूरी भारतीय जनता। अरे भाई, आप सर्वे को क्या कोट कर रहे हैं भाई? पूरा 78% ये नहीं पूछा गया कि चाइना को सही किया, तब आपने सुना आपका सर्वे सर, ये तो आप बिल्कुल इलॉजिकल एब्सर्ड बात कर रहे हैं भाई। सुधांशु, आप चाइना के कौन से सवाल पे 22% कह रहे हैं? LAC पर चीन का दबाव रहा, 29% लोगों ने कहा कि ये माहौल था चुनौती वाला, अब इसमें 22% कहां से आया मुझे पता नहीं। ये आपने बताया कि इसको मानते हैं चुनौती, सुनेंगे। अभी आपने ही अपने सर्वे में बोला, अभी आपने, एक मिनट सुधांशु जी सुन लीजिए, अभी आपने अपने पैकेज में बोला कि लोग कितना परसेंट मान रहे थे, आपने बोला 34% लोगों ने माना कि कोरोना में नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा किया, और 22% लोगों ने माना कि चाइना के मामले में नरेंद्र मोदी जी ने डेयरिंग दिखाई, जिसको टोटल नहीं भाई, ये बोला गया सबसे चुनौतीपूर्ण काम कोरोना था, 34%
मंत्री माना तो सही, ये बोला गया, सुन लीजिए, बोला ये कि आप सुधांशु जी, सुधांशु जी प्लीज, सरासर इलॉजिकल बात कर रहे हैं सुधांशु जी, ऐसा है, ऐसा है, आपने क्या बोला है पहले सुन लीजिए, बोलिए खैर, नहीं अगर आपने कैसे, आपने पहली बात है कि अगर आप कहने नहीं देंगे तो बात करने का फायदा नहीं है। रिजु दत्ता जी, अगर ये सवाल पूछे गए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं विदेश नीति, कोरोना, चाइना से मुकाबला करना, ये सारी बातें खुलकर पब्लिक के सामने से आई हैं। रिजु दत्ता जी, आपके हिसाब से क्या विश्लेषण है नरेंद्र मोदी जी का 8 साल के हिसाब का इन 5 सवालों के तहत? बाकी सवालों पे हम आएंगे। नाविका जी, देखिए मैं आपका सर्वे को सम्मान करता हूं और आपने मुझे मौका दिया तो थोड़ा 2 मिनट बस दे दीजिएगा, बिना टोके मैं अपना बात रख लूंगा। आपने कहा कि बेमिसाल 8 साल, हाँ मैं मानता हूं बेमिसाल 8 साल है, क्योंकि हमने इन 8 सालों में देखा है एक फकीर को चौकीदार होते हुए, फिर चौकीदार को विश्वगुरु होते हुए और विश्वगुरु को बुलडोजर बाबा होते हुए 8 साल में हमने क्या क्या देखा। मैं तथ्य नहीं दूंगा, सिर्फ आम जनता के लिए बोलूंगा, नोटबंदी से लेके किसानों के साथ विश्वासघात, बेरोजगारी से लेके महंगाई, पीएम केयर के घोटाले से लेके कोविड का कुशासन, पेगासस से लेके प्रेस का गला घोटना, प्रतिशोध की राजनीति से लेके केंद्रीय संस्थाओं का राजनीतिकरण और धर्म के ऊपर राजनीति, हमने तो सब देखा। मोदी सरकार ने 8 साल में बहुत प्यार से हर औरत का, युवा का, छात्र का रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, पर उसमें भी हमें कष्ट नहीं है। कष्ट तब होता है जब प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि ये अच्छे दिन है और अमृत काल है। अगर धर्म के नाम पे राजनीति करने से और लोगों को मुद्दों से भटकाने से अगर पेट चलता तो नाविका जी मैं पहला आदमी होता जो हर सुबह 2 अगरबत्ती सुलगा के बैठ जाता मां काली के फोटो के सामने, पर ऐसे नहीं होता है। मेरा सिर्फ एक ही विनती है प्रधानमंत्री को आपके वरिष्ठ चैनल से कि आप हमें हमारे बुरे दिन वापस कर दे और भारतवर्ष को थोड़ा बख्श दे सर, और हमें कोई जरूरत नहीं है। और आपका जो सर्वे है उस पर मैं सिर्फ 3 छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। आपने बोला कि विदेश नीति मोदी जी का जनता ने बोला है सबसे अच्छा है, तो हाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि देश से ज्यादा मोदी जी विदेश में ही रहते हैं तो विदेश नीति अच्छा होना ही चाहिए। आपने बोला चाइना को लेके LAC के टाइम पे उनकी कठोर जो उन्होंने फैसले लिए हैं वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट अभी तो हमने सुना है कि चाइना कहीं पे पुल बांध रहा है तो उसको लेके तो बीजेपी प्रधानमंत्री या बीजेपी के कोई नेता वो मानने को ही तैयार नहीं। और आखिर में सबसे बड़ा चीज आपने बोला और आपके सर्वे में जनता ने बोला कि मोदी जी जो कठोर नीति लेते हैं वो सबसे बढ़िया चीज है। हाँ मैं मानता हूं और मोदी जी को और कठोर होना चाहिए, देश के लिए नहीं, उनके अपने प्रवक्ताओं के लिए, क्योंकि वो जो अपशब्द कह के जाते हैं उसमें इस देश का माहौल खराब होना होता है। तो मोदी जी को कठोर होना चाहिए अपने नेता और अपने प्रवक्ताओं। इन बातों का सवालों का और इन स्टेटमेंट्स का जवाब लेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी से, पर इससे पहले मैं घनश्याम तिवारी जी के पास जाना चाहती हूँ। घनश्याम तिवारी जी, आप ये ना समझें कि यही 5 सवाल थे, और भी सवाल हैं, बोलने के मौके और भी कई मिलेंगे, लेकिन इन 5 सवालों में क्या कोई 2 राय हो सकती है कि विदेश नीति में ये देश आगे बढ़ा है, सर उठाकर जी रहा है और लोग भारत का एक मान बढ़ा है दुनिया में, और इसके अलावा बाहर के देशों ने भी तारीफ की है जिस तरह से इस देश में कोविड के खिलाफ लड़ाई हुई है, क्या इन चीजों पर भी, बेसिक चीजों पर भी कोई 2 मत हो सकते हैं? नमस्कार नविका जी, आपको, मेरे को, पैनलिस्ट को, दर्शकों को, अगर 2014 में आप ये सर्वे कर रही होती कि नरेंद्र मोदी जी क्या करने वाले हैं और जनता को किस बात पर यकीन है, तो आप, सुधांशु जी और देश की 90% से ज्यादा जनता ये कह रही होती कि उन्हें यकीन है अच्छे दिन आएंगे, उन्हें यकीन है 100 दिन में काला धन आएगा, उन्हें यकीन है कि डॉलर 40 रुपए से कम पे होगा, उन्हें यकीन है पेट्रोल डीजल 40 रुपए से कम में होगा, उन्हें यकीन है 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उन्हें यकीन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दिखाया जाएगा, और उन्हें यकीन है कि ये देश वाकई 2022 में किसानों की आय दुगनी करके एक विकसित देश बन चुका होगा। इन ये सारे लोगों के यकीन रहे होंगे जिस तरीके से बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई समाप्त हो चुकी होगी, पाकिस्तान से हम अपना अधिकार ले चुके होंगे, चीन को खदेड़ा जा चुका होगा, ये 2014 में लोग कह रहे होते, क्योंकि यही बातें नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। इन 10 बातों में से एक भी बात आज सच नहीं है, तो ठीक है आज आप जो सर्वे दिखा रही हैं, अगर आप उसमें बोले कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे दमदार पक्ष ये है
तो वो झूठ को बहुत शानदार तरीके से लोगों में बांटते हैं, ये दमदार पक्ष है। अगर सबका साथ सबका विकास करने के बाद, विश्वास करने के बाद दिन रात मीडिया चैनल इस सरकार के शह पर हिंदू मुस्लिम डिबेट कराते हैं, लोगों को एक दूसरे का खून का प्यासा बनाते हैं और सरकार के साथ इस खूनी खेल में भागीदार बनते हैं, तो ये उनकी उनकी करामात है, उनके दमदार। आप बार बार मीडिया पर उंगली उठा रहे हैं, रिजु दत्ता ने भी उठाया था, माफ कीजिएगा, मीडिया पे आपने कॉमेंट किया तो मुझे बोलने का हक होना चाहिए, अपने ही शो में मुझे बोलने का भी हक होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये मामले कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में अगर मामले हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मीडिया गांधारी की तरह आंख पर पट्टी लगा ले और मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाए, देश में जो हो रहा है उसको रिपोर्ट ना करे? आप चाहते क्या? क्यों सफाई दे रही हैं? ये सुधांशु जी को कहना चाहिए। नहीं, क्यों सरकार पे, आप मीडिया पे कह रहे हैं, मैं मीडिया की तरफ से क्यों नहीं बोल सकती? ये आप तय करेंगे, कि मीडिया पर अगर उंगली उठाई जाएगी तो मैं बोलूंगी या आप, ये आप थोड़ी तय कर सकते हैं घनश्याम तिवारी जी। मीडिया पर आप टिप्पणी करेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगी, लेकिन आपका हक अगर कहने का है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मुझे क्यों नहीं मेरा हक क्यों छीन रहे? मैं आपको बिना टोके सुन रहा था, आप मुझे कम से कम 45 सेकंड दीजिए, बिना टोके सुनिए। नहीं, 45 सेकंड क्यों, मैं आपको और भी समय दे सकती हूँ, पर मीडिया पर आप बोलेंगे तो मुझे आपको रिबट करने का पूरा हक है। सरकार की शह पर इस देश में दिन रात मीडिया चैनल हिंदू मुस्लिम बहस दिखा करके लोगों को एक दूसरे का खून का प्यासा बना रहे हैं, अगर ये फैक्ट से अलग है तो आप बताइए। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन चलिए अगले सवाल देखते हैं। सभा जी और हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आ रही हूं। 8 साल में मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत क्या रही? जनता से सीधा संवाद 5% लोग, शानदार डिलीवरी 22% लोग, वर्ल्ड लीडर वाली छवि 42% लोग समझते हैं कि वर्ल्ड लीडर वाली छवि जो है वो उनका सबसे दमदार रूप है। सामने बेहद कमजोर विपक्ष 31%। तो हम पर उंगली उठाने से पहले शायद अपने अंदर भी देख लें, सब कांग्रेस पार्टी, यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तृणमूल कांग्रेस, प्लीज अपने अंदर भी देख लें। 7वां सवाल, 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता सबसे ज्यादा कहां दिखी? राजनीतिक मोर्चे पर 31% लोग, आर्थिक मोर्चे पर 16% लोग, वैश्विक संकट में 24%, क्राइसिस मैनेजमेंट में ये 29%। तो राजनीतिक और क्राइसिस मैनेजमेंट में उनका रिकॉर्ड बेमिसाल लोग मांग रहे हैं। सवाल नंबर 8, 8 साल से प्रधानमंत्री मोदी के पावरफुल नेतृत्व की वजह क्या लगती है? करिश्माई नेतृत्व 24% लोग समझते हैं, अमित शाह जैसे सहयोगी 30% लोग, एक के बाद एक बड़े फैसले 32% लोग। तो फैसले और अमित शाह दोनों साथ मिला दें तो 62% लोग समझते हैं कि ये मुख्य कारण रहे। सबको लेकर चलने की कला 14% लोग समझते हैं। सवाल नंबर 9, 8 साल में मोदी की सबसे सफल योजना किसे मानते हैं? उज्ज्वला 22%, जनधन योजना 14%, किसान सम्मान निधि 22%, आयुष्मान भारत 18%, पीएम आवास योजना 24%। ये भी देख लीजिए कि लोगों ने सराहा है, ये जो एक लाभार्थी का एक क्लास जन्मा है, ये सारी स्कीम्स की बदौलत, और इसमें देख लीजिए जनता का कितना सपोर्ट है। 8 साल में मोदी सरकार किस मोर्चे पर असफल दिखी? महंगाई 39% लोग समझते हैं हाँ, महंगाई पर थोड़ी असफल। बेरोजगारी 37%, आतंकवाद 14%, आंतरिक सुरक्षा 10%। सो महंगाई और बेरोजगारी ये दो बहुत क्लियर आंसर्स हैं। थोड़ी सी तसल्ली हुई घनश्याम तिवारी जी, भाई साहब थोड़ी तसल्ली हुई कि सर्वे कहीं ना कहीं सही है।
मैं अपनी अपनी बात पूरी कर लेता हूं। इन 8 सालों में आपका जो दर्शक दिख रहा है उसका जवान बेटा या बेटी बेरोजगार बैठे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके परिवार में ज्यादा बेरोजगारी है, ये सरकार के आंकड़े बताते हैं। आपने कहा कि देश देश की विश्व में छवि नरेंद्र मोदी जी ने सुधार दी, क्या आप जानती हैं कोरोना काल में 25 लाख, ये एमईए का डेटा है, 25 लाख भारतीय अपना घर बार छोड़ करके वापस आए, क्या सरकार ने उनके लिए एक कदम भी उठाया? अगर उठाया तो सुधांशु त्रिवेदी जी बता दें। ये इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा कहता है कि देश से 35,000 लोग जो करोड़पति थे देश छोड़ करके चले गए, देश में आने वाले कितने लोग थे, देश की नागरिकता छोड़ने वाले कितने लोग थे, 10 लाख से अधिक लोग थे। तो जहां पर देश में एक माहौल पैदा कर दिया गया है कि आप जय जय मोदी करते रहिए लेकिन देश बर्बाद होता जा रहा है, आम युवा युवती बेरोजगार है। आज आज के अखबार कहते हैं कि जेएनयू और जामिया की एक लड़की ने यूपीएससी टॉप किया है, वो वहां की इंस्टीट्यूशनल कोचिंग की प्रोडक्ट है जो फ्री में पढ़ाई जाती है। जिस सरकार ने लगातार जनता को यह बताया, अगेन मीडिया चैनल की मदद से बताया कि जेएनयू देश का दुश्मन है, जामिया देश का दुश्मन है, उस सरकार के मुंह पर इस देश की जनता करारा तमाचा मार रही है अपने प्रयासों से, लेकिन फिर भी ये सरकार चाहती है कि लोग थैंक यू मोदी जी कहते रहें। तो मुझे लगता है कि देश को बदहाल करने की कोई कसर छोड़ी नहीं गई है। और जहां तक आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा का सवाल है, मैं बस आपको इतना याद करवाना चाहती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर और निर्मला सीतारमन दोनों भी जेएनयू से हैं, तो शायद थोड़ी सी तारीफ कर दें कि ये लोग मोदी जी की सरकार में भी है। पर हर्षवर्धन जी, इतनी लंबी फेरिस लिस्ट, इसमें इन्होंने कहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं किया कि बेरोजगारी और महंगाई, जनता ने कहा है कि ये मुद्दे हैं जिस पर सरकार अब तक असफल रही, हालांकि कदम उठाए गए हैं पर जनता अभी खुश नहीं। नहीं, निश्चित तौर पर जिस समय हम लोग नाविका जी बात कर रहे हैं उस समय महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन दुर्भाग्य से आजकल राजनीति में पढ़ने लिखने का चलन बहुत कम हो गया है। अगर पढ़ने लिखने का चलन होता तो ये ध्यान में होता कि मई 2014 के बाद 2020 तक इस देश में महंगाई दर पिछले कई वर्षों के सबसे न्यूनतम स्तर पर थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा अगर पढ़ के आते प्रवक्ता लोग तो उनको समझ में आता कि इस सरकार ने इन दोनों मोर्चों पर, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट ठीक करना हो या फिर इन्फ्लेशन रेट दुरुस्त रखना हो, इन दोनों मोर्चों पर आरबीआई की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं 14 से 20 के वो सब कहती हैं कि सरकार के प्रयास बेहतर रहे हैं, बावजूद किसके, बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डिसरप्शन वाले फैसले लिए, सबसे ज्यादा ऐसे फैसले लिए जिसके बाद कहा जा सकता था कि भाई अब तो आर्थिक गतिविधि चलेगी ही नहीं, नोटबंदी जीएसटी ये ऐसे फैसले कहे जाते थे, लेकिन इन फैसलों को करके आगे की इकोनॉमिक, जिसको हम बार बार कहते हैं इंक्लूसिवनेस, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन मजबूत करता, जिसको हम कहते हैं $5 trillion की इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं कि लोगों की जेब में कमाई कैसे बढ़े, वो करने का काम इन 8 सालों में सरकार ने किया। हम 2 साल के आंकड़ों की बात कर रहे हैं जब महंगाई दर बहुत ज्यादा है, और निश्चित तौर पर इसीलिए सरकार को दबाव बना, उनको वापस लेना पड़ा, दो दो बार पेट्रोल की जो टैक्स की रेट थे उनको कम करना पड़ा। लेकिन अगर दूसरी चीजें देखें तो आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना लगार्डे ने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट था कि अगर ये पूरी दुनिया अंधेरा हो गया है तो उसमें धूम केतु की तरह चमक रहा है भारत आर्थिक तौर पर। विश्व क्या कहता है, आपको जहां पार्टी तक नहीं बनाया गया अफगानिस्तान में, वहां भी अमेरिका के स्पेशल इन्वॉय आते हैं और वो दिल्ली आते हैं, कहते हैं कि भाई भारत नहीं रहेगा तो हम वहां कुछ करने की स्थिति में नहीं है, हमें जरूरत है आपकी। जब रशिया और यूक्रेन लड़ते हैं तो दोनों देश ये कहते हैं कि मीडिएटर कौन चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए, नहीं तो हम ये नहीं कर सकते। ये बड़े छोटे छोटे उदाहरण हैं और मैं ऐसी फहरिस्त लंबी गिना सकता हूं, उसको आप कह सकते हैं कि ये सरकार के पक्ष की बातें, लेकिन ये इशू बेस्ड मुद्दे हैं जिस पर पत्रकारों को बात करना चाहिए। और मैं प्रवक्ताओं के संदर्भ में यही कहूंगा कि ठीक है, टीवी की बहस में अच्छा लगता है आप नविका पे आरोप लगा दें, मुझ पे लगा दें, सभा पे लगा दें, किसी पे भी लगा दें, लेकिन अगर आप टीवी की बहस में हैं तो दर्शक आपको सुन रहा है, कृपा करके 100% को गिनना तो समझ लीजिए, वो कैसे बात करते हैं उसको तो जानिए। सभा नकवी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सालों तक हम साथ साथ इन इन गलियारों में घूमते रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं आज, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस इस कदर का है कि आप 8 साल मनमोहन सिंह के और 8 साल नरेंद्र मोदी के, बस ये कंपेयर कर लीजिए, मुझे ये बताइए देश पहले से बेहतर है या
सब कुछ अंधकार है, सूरज की कोई किरण कहीं नजर नहीं आ रही? नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा बदलाव हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में, ये 8 साल में हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की वाजपेयी के जमाने में बेहतर थी और पॉलिसीज भी बेहतर थी और मनमोहन सिंह के जमाने में भी बेहतर थी, और मनमोहन सिंह के दौर के बहुत सारी पॉलिसीज अभी तक भाजपा सरकार कंटिन्यू करती है, मनरेगा को खासतौर से हम लोग कहें, हालांकि राइट टू इंफॉर्मेशन खत्म हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। मनमोहन सिंह एक चुने हुए व्यक्ति थे जिसको सोनिया गांधी परिवार ने आगे किया, नरेंद्र मोदी खुद भाजपा के तो हैं लेकिन उन्होंने शुरू से गुजरात से लेकर दिल्ली तक आने तक अपनी छवि बनाई है हिंदुस्तान की राजनीति में, बहुत बड़ा पॉलिटिकल डायरेक्शन में वो बहुत बड़ा बदलाव लाए। एक तो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी ये हो गया है हिंदुस्तान में, और भाजपा को उन्होंने सिंपल मेजोरिटी रूल भी दे दिया, ये भी हकीकत तो है ही, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब हम जाते हैं, लेकिन जो मेरी सोच है, अब आप मेरी राय अगर आप माने, ये तो फैक्ट्स है, मेरे हिसाब से जो हमारा संविधान है, जो नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो इससे थोड़ी अलग है। फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर आज के दौर में हर विपक्ष का सरकार उड़ीसा को छोड़ के उसके खिलाफ ईडी सीबीआई लगी हुई है, ये असलियत है। तो ये कि साथ मिलजुल के बैठने का ऐसा कुछ नहीं है, उनके खुद एनडीए के साथी सब चले गए हैं, सिर्फ नीतीश कुमार बचे हुए हैं बिहार में, बाकी अकाली शिवसेना ये सब चले गए, उनको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी रूल आ गया है। तो हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और वो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बना हुआ है। जब आप विदेश नीति की बात करते हैं, पता नहीं आप हम लोग को शायद अलग अलग खबर मिलती होगी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, हाँ नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है भाई, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ जो कहते हैं कि श्रीलंका बन जाएगा, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा श्रीलंका, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और सख्त, जब आपने गेम चेंजर्स की बात की, आपने शुरू में जो डेटा दिया आपने उसमें राम मंदिर की बात की, नरेंद्र मोदी जी तो राम मंदिर उन्होंने तो आंदोलन तो लाल कृष्ण आडवाणी ने चलाया था, और अंत में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये नरेंद्र मोदी जी का हाथ नहीं था, आपने नोटबंदी का जिक्र नहीं किया। मैं आगे भी सवाल सभा नगवी आगे भी सवाल है उसमें नोटबंदी का सवाल आएगा, और राम मंदिर निर्माण में मैंने सिर्फ उनकी भूमिका कही। ठीक है, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। जो मेरी सोच है, जो विदेश नीति में मैं बिल्कुल नहीं मानती कि हिंदुस्तान श्रीलंका बनेगा, बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कि नरेंद्र मोदी जी के दौर में हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। चार्जेस बहुत सारे लगे हैं, सब कह रहे हैं कि भारत तो वैसे ही महान था, तो मोदी जी ने कुछ खास किया नहीं, बाकी जो हुआ है वो कम ही हुआ है, जवाब दीजिए। देखिए, वैसे तो सभी लोगों ने मिलकर इतने सारे प्रश्न पूछे हैं कि यदि मैं सबका केवल दो दो लाइन में भी उत्तर दूं तो शायद आपके कार्यक्रम का पूरा समय चला जाएगा, क्योंकि जिसके जो मन में आया है सबने सब बोला। फिर भी मैं यथासंभव संक्षेप में 1-1.5 मिनट में देने का प्रयास करूंगा। रिजू दत्ता जी ने कहा कि जैसी भाषा और जिस प्रकार की चीजें प्रयोग हुई, तो मैं सिर्फ यही याद दिलाना चाहता हूँ, छी छी थू थू बोलना प्रधानमंत्री के लिए, और ऐलानिया कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि मैंने प्रधानमंत्री का फोन नहीं लिया, ये भारत की राजनीति में बहुत महान आदर्श स्थापित करने वाली बात थी। नाबालिग बच्ची के लिए ये कहना कि उसके तो संबंध थे, उसको रेप कह के प्रचारित किया जा रहा था, अगर संबंध भी थे तो वो स्वतः रेप हो जाता है, यह संवेदना का प्रतीक था, तो इसलिए संवेदना और शब्दों पर जो बात कही गई वह उसका उत्तर इसमें आता है। हमारे हार्वर्ड एजुकेटेड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम जी ने यह कहा, मान्यवर आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, IMF ने 9 पॉइंट से ऊपर की ग्रोथ रेट दी थी, अभी मूडीज ने रिड्यूस करने के बाद 8.4% की ग्रोथ रेट दी है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज बताइए, पूरे यूरोप में डबल डिजिट है, अमेरिका में सबसे ज्यादा, 40 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है।
जो कुछ श्रीलंका पाकिस्तान में हो रहा उसको तो छोड़ दीजिए, इसके बावजूद आपको लगता है कि सबसे ज्यादा महंगाई भारत में है? ये तो वैसे ही हो गया कि सुनामी पूरी दुनिया में आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलटे जा रहे हैं मगर हम अपने कैप्टन से कह रहे हैं जहाज हिल क्यों रहा है, हमें अगल बगल से मत दिखाओ कि अगल बगल के जहाज उलट रहे हैं, हमें दिखाओ कि तुम्हारा जहाज हिल रहा है इसके लिए सुनामी नहीं तुम जिम्मेदार हो। इस प्रकार की बात करना सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। दूसरा, उन्होंने कहा, बहुत कहा कि मीडिया पर अटैक करके हिंदू मुस्लिम खून के प्यासे, ये मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। ये मुलायम सिंह यादव जी, ये खून के प्यासे नहीं बना रहे थे तो क्या कर रहे थे भाई? और आज शफीकुर रहमान बर्क क्या बोलते कि तालिबान मेरे दिल में है, बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है, केटी हसन आपकी पार्टी के सांसद यह बोलते हैं कि 21 साल लड़कियों की एज हो गई तुम लोग 4 शादियां नहीं कर पाओगे, ये कॉमन सिविल कोड ले आएंगे, आप बोले। उसके बाद आप आइए, आपने कहा कि जामिया और उसमें हमने कब मना किया? अरे आपके दौरे हुकूमत में एमयू और जामिया में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन छीन लिया गया, कोई चू नहीं बोला। चलिए वो भी बात छोड़ देते हैं। जो आपने बात कहने का प्रयास किया 100 बातों की बात, कोविड के दौर में वो लोग जिस पार्टी में राहुल गांधी जी ने मोविड शब्द का प्रयोग किया, हम लोग नाविका जी मई 2022 में बैठे हैं, मई 2021 में प्रियंका जी और राहुल जी दोनों ट्वीट कर रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, उस समय तक बच्चों की वैक्सीन पूरी दुनिया में नहीं बनी थी, और इनके नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं भाजपा का वैक्सीन, ऐसे विचित्र उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। और फिर फ्रीडम इंडेक्स की बात पे अभी सभा जी ने जो बोला, सभा जी हंगर इंडेक्स में हमसे श्रीलंका ऊपर था, गजब का सर्वे था कि नहीं, और 25-26 स्थान ऊपर था, महंगाई में पाकिस्तान हमसे बेहतर था, बढ़िया गजब का सर्वे था नहीं, और आप तो पत्रकार हैं, फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चाइना हमसे 32 स्थान ऊपर था, आपको बड़ा विश्वसनीय सर्वे लगता है, चाइना हमसे 32 स्थान ऊपर। और मैं यह भी बात कहता हूं नाविका जी, हां अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो मैं बिल्कुल कहता हूं, अगर इस देश में ऐसा होगा कि एक कार्टूनिस्ट को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा बंगाल में, तो फ्रीडम इंडेक्स पे असर पड़ता है, अगर किसी एक पत्रकार को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा महाराष्ट्र में और सुप्रीम कोर्ट कहेगा आपको चैनल अच्छा नहीं लगता तो बंद कर दीजिए, तो असर पड़ता है, राजस्थान में एक न्यूज दिखाने पे एक पत्रकार पे देशद्रोह लगेगा सिडिशन, और वो पार्टी लगाएगी जिसने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा था कि सिडिशन तो होना ही नहीं चाहिए, तो मानी हुई बात है ऐसी बातों से। और घनश्याम जी भूल गए, आपकी पार्टी के जमाने में शाहजहांपुर में एक पत्रकार जला के मार दिया गया, सीधे आजम खां पे उसने आरोप लगाया, जांच तक नहीं हुई, फ्रीडम इंडेक्स पे असर पड़ता है प्रेस फ्रीडम पे। इसलिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग जो जो देखने का प्रयास कर रहे हैं आप अपने नजरिए से देखते रहिए, पर जनता ने जो देखा है। और अंत में एक बात ये कह दूं फॉरेन पॉलिसी पे, हां बिल्कुल सही बात है फॉरेन पॉलिसी में, सिर्फ एक लाइटर नोट पे बात कहूं, हम लोग नाविका जी अपने बचपन में सुनते थे कि भारत के इलेक्शन में CIA अमरीका हस्तक्षेप कर रहा है, पहली बार विपक्ष ने आरोप लगाया कि हमने अमरीका के इलेक्शन को हस्तक्षेप करने की कोशिश की, क्या आपको नहीं लगता है कि यह इल्जाम कितना हसीन है फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में? और फॉरेन पॉलिसी में ये हमारे पहला मौका है, इससे पहले जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता था केवल सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ, आज स्थिति है कि केवल चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ। 8 साल ये पहले भारत की आजादी के बाद के हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलेटरल डायलॉग नहीं किया, क्योंकि हमने कहा कि टेरर और टॉक्स नहीं हो सकते साथ में। और उसके बाद अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में बैरक ओबामा ने लिखा कि 26/11 के बाद सेना तो तैयार थी पर मनमोहन सिंह ने इसलिए नहीं किया कि बीजेपी को फायदा ना हो जाए, और ये 8 साल पहली बार है जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोला कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए तो उस समय आर्मी चीफ खड़े थे उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस भेज दीजिए वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा, ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है, और इमरान खान ने कहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कि ये लोग जो बालाकोट में किए उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद भी आपको अंतर नहीं दिख रहा है तो मैं सारे विपक्षी प्रवक्ताओं से और विश्लेषकों से कहूंगा हाथ जोड़कर कि साहब नजारा कितना भी बदला हुआ हो पर अगर नजर नहीं बदली होती है तो नजारा बदला हुआ नहीं दिखाई पड़ता। बस रिजू दत्ता जी मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि समय है अगले कुछ सवालों को लेने का और उसके बाद सीधा आपके पास आऊंगी, लेकिन तब तक दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि आपने सारे पक्ष सुने,
कौन सा पक्ष सही लगता है, कौन सा गलत लगता है, ये सोचने का नजरिया आपका है और जनता के ही सवाल लेकर हम आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सवाल है पब्लिक का और पब्लिक देती है अपना वर्डिक्ट, और वही वर्डिक्ट जो है किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा वर्डिक्ट होता है। तो सवाल नंबर 11 पर चलते हैं। नरेंद्र मोदी के वो कदम जिसका दुनिया ने लोहा माना। नंबर एक, फ्री वैक्सीन। 38% लोगों ने इसको सराहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 9% लोगों ने आक्रामक विदेश नीति, 34%। दुनिया मान रही है लेकिन हमारे देश के कुछ विपक्षी दल नहीं मान रहे, ऐसा कोई फैसला नहीं, 9%। तो अगर आप ये देखें तो फ्री वैक्सीन 38% और आक्रामक विदेश नीति सबसे पॉपुलर डिसीजंस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो सबसे अच्छा लगता है, नंबर एक, आंख से आंख डालकर बात करते हैं, 24% लोग। हालात के मुताबिक फैसला लेते हैं, 39% लोग। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर उनका एक स्वरूप है जो लोगों को अच्छा लगता है। सादा जीवन, उच्च विचार, 22% लोग। टाइम अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा, 15%, जो अक्सर मुझे लगता है विपक्ष के जितने प्रवक्ता हैं वो इसमें जरूर शामिल होंगे। सवाल नंबर 13, 2024 में मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है? राहुल गांधी 27%, ममता बनर्जी 18%, शरद पवार 16%, 39% लोग मोदी वर्सेस ऑल समझते हैं, यानी कि मोदी वर्सेस ऑल, ये सारे मिलकर मोदी से लड़ेंगे, अकेले किसी का कोई वजूद नहीं है, ऐसा जनता समझती है। सवाल नंबर 14, 2024 में प्रधानमंत्री के तौर में सबसे पसंदीदा चेहरा, 46% लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी, 13% राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल 21%, ममता बनर्जी 8%, कोई अन्य 12%। 46% लोग समझते हैं नरेंद्र मोदी, और इस पर मैं जानना चाहूंगी सबके विचार। शुभ्रांश राय जी, 8%, अब तक तो एंटी इनकम्बेंसी हो जानी चाहिए थी, और आप जहां तक समझते हैं, अन्य विपक्ष दल जिस तरह से समझते हैं, कहीं ना कहीं इन 8 सालों में कुछ भी सही नहीं किया मोदी ने और मोदी सरकार ने। शुभ्रांश राय, आप थोड़े से हैरान होंगे ये देखकर कि 46% लोग अब भी समझते हैं। नविका जी, 4 मिनट 12 सेकंड सुधांशु मित्तल जी को, सुधांशु त्रिवेदी जी को ध्यान से सुना हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए और बताइए कितनी देर में फ्रीली इनकी बात का जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि बीच में अगर आप काटेंगे ना तो फिर वही 46-42% वाला खेल रह जाएगा। उन्होंने 4 लोगों के सवालों के जवाब दिए, उन्होंने 4 लोगों के सवालों के जवाब दिए। एक मिनट तो दीजिए। हाँ चलिए लीजिए, आपके आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब और बीच में कोई नहीं बोलेगा, चलिए आप बोलिए। अब ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, पहली बात, ये वही हिंदुस्तान है जहां मध्य प्रदेश में जैन साधु को मार दिया जाता है और आप सांस तक नहीं लेते हैं। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ के मध्य प्रदेश में आप हिंदू साधु के दाढ़ी बाल काट दिए जाते हैं, आप चर्चा नहीं करते। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ बेटी का बलात्कार करके आपके उत्तर प्रदेश में मार दिया जाता है उसके पूरे परिवार को, और भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी नेता और मंत्री के साथ खड़ा रहती है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने बड़े सारे डेटा गिनाए अर्थव्यवस्था का। 18 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था नोटबंदी से शुरू होकर आज 31 लाख करोड़ पे पहुंच गई। करप्शन वाली सरकार तो है नहीं, ये रुपए तो आसमान से गिर गए थे। पॉकेट का हर दूसरा तीसरा नोट आज डेट में लगभग नकली है। ये है अपने देश की अर्थव्यवस्था का हाल। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात, आपने बिल्कुल सही कहा साहब कि जीएसटी का आप जिक्र कर रहे थे। सर ये लोकतांत्रिक देश है, 2014 से पहले वन नेशन वन जीएसटी की जब बात होती थी तो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा खड़े होते थे, नहीं राज्यों पे ही
अप्लाई नहीं होता और हम ऐसा कुछ करेंगे, 8%, 5%, 8%, 12%, 18% और 28% की कहानी करते करते ये पहली ऐसी सरकार है जो कफन पर भी जीएसटी चार्ज कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपने राज्यों का जीना पानी ये सब खत्म कर दिया है। मैं कैसे रिजु दत्ता जी, आपने पूछा कांग्रेस पार्टी का आपके आपकी अलायंस में शामिल है कि नहीं है, समय नहीं दे रही आपको। कांग्रेस को जो ठीक लगे, नहीं नहीं मैं नाविका जी इतना ही कहूंगा, कांग्रेस को जो ठीक लगे वो करें, अगर उनको लग रहा है कि वो ठीक कर रहे हैं तो दुनिया देख रही है बस। मैं मेरा बात है सुधांशु जी से, क्योंकि बीजेपी के साथ हमारा डायरेक्ट फाइट है, कांग्रेस को तो हम नहीं ले रहे हैं इस फाइट में, ये तृणमूल वर्सेस बीजेपी है। तो मैं सुधांशु जी को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं आपसे तूतू मैं नहीं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री और मैं उनको बाबा मानता हूं, चमत्कारी बाबा। अब आप पूछेंगे कैसे, मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं सुधांशु जी। मनरेगा, जिसमें बंगाल एक नंबर में है, जो जिसको हम आम जनता या गरीब लोग 100 दिन का काम मानते हैं, कोविड के टाइम में जब जहां सब धंधा सब बिजनेस सब चौपट हो गया था, तब गरीब लोग ये 100 दिन का काम करके अपना पेट चलाते थे। आज आपको पता है बीजेपी सरकार बंगाल का 100 दिन का काम का पैसा रोक लिया है, पहली बात। दूसरी, क्यों मैं कहता हूं चमत्कार, क्योंकि आपने दावा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और आपको पता है कल इंडियन रेलवे से 80,000 पद को खारिज कर दिया गया, मतलब 80,000 युवाओं को फिर बेकार कर दिया आपने। तीसरा पॉइंट, आप उजाला स्कीम पे बहुत गर्व है आपको, और उसी उजाला स्कीम में जिसमें आप सब्सिडी देते हैं उसमें गैस आज 1100 रुपए का है सर। चौथा, अब बेरोजगारी पे आते हैं, बेरोजगारी आप लोग ये करेंगे वो करेंगे, 45 साल का तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी देश में है और ये तो कोई झुठला नहीं सकता। आपने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगाई, जो जनता भी कह रही है, यूपी में जब इलेक्शंस चल रहे थे और 4 राज्य में इलेक्शन चल रहे थे तब तो एक दिन भी दाम नहीं बढ़ा सर, उस टाइम तो क्रूड ऑयल का दाम भी कम था, पर जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गए पेट्रोल 100 के पार चला गया, और दोष है नेहरू का, औरंगजेब का और बाद में यूक्रेन का। और सर आपने कहा संवेदन की बात, आपने एक टिप्पणी की, तो मैं आपको याद दिला दूं जो किसानों की हत्या में मुलजिम है वो मिनिस्टर आज भी आपके कैबिनेट में मोदी जी के बाजू में बैठता है, और आपका और एक कैबिनेट मिनिस्टर ने नारा लगाया था देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश मैं नहीं बोल रहा हूं, इतने अच्छे चैनल पे। और लास्ट में आपने कहा कि अरेस्ट हो जाता है कार्टून बनाने पर, तो मैं आपको याद दिला दूं अविनाश दास को गुजरात में अरेस्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने एक फोटो डाला था अमित शाह जी के कान में, पूजा सिंघल कुछ गुपचुप कर रहे थे, सिर्फ इसके लिए अरेस्ट कर दिया, और उमर खालिद आज भी जेल में है जबकि कोर्ट आज इतने साल बाद बोल रहा है कि उसकी बातें गलत नहीं थी या देर भड़काव नहीं थे। तो सर थोड़ा अपने आप भी आप झांक लीजिए। चलिए सुधांशु जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं 2 आखिरी के सवाल लेना चाहती हूं और उसके बाद सबके जवाब लूंगी। सवाल जो मैं पहले ले रही हूं, देश के 4 ताकतवर प्रधानमंत्री को घटते क्रम में सजाएं। आप देख सकते हैं ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, मोदी इंदिरा वाजपेयी नेहरू 31%, मोदी वाजपेयी इंदिरा नेहरू 29%, इंदिरा नेहरू वाजपेयी मोदी 13%, नेहरू इंदिरा वाजपेयी मोदी 15%, मोदी इंदिरा नेहरू वाजपेयी 12%। तो अगर आप मिला लें मोदी जिसमें टॉप पर हैं तो वो 72% लोग समझते हैं कि मोदी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, टॉप पर उनका नाम आता है। और आखिरी सवाल जो मैं जनता के सामने रखना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री से 2 मिनट का अगर किसी को अपॉइंटमेंट मिले तो लोग क्या करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनता के मन में क्या है ये जानने की हमने कोशिश की। तो पहला, लोगों ने कहा कि देश की समस्या पर बात करेंगे, 36% लोग ये समझते हैं। निजी समस्या पर बात करेंगे, 21% लोग। देश के लिए 2 आइडिया सोचकर उनके पास जाएंगे, 32% लोग समझते हैं कि हम जाएंगे देश के लिए 2 नए आइडिया क्योंकि उनको लगता है कि नए आइडियाज शायद मोदी जी से डिस्कस करने से उसका कुछ रिजल्ट निकल सकता है। ऑटोग्राफ लेंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे, ये 11% लोग समझते हैं। मैं घनश्याम तिवारी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई शक शुभा है पॉपुलैरिटी पर? देखिए रविका जी, अभी सुधांशु जी ने बहुत शानदार जवाब दिया, अच्छे प्रवक्ता हैं उन्होंने। पहली बात कही कि मुझे पता होना चाहिए आईएमएफ ने देश की ग्रोथ के लिए 9% का आंकड़ा तय किया है। मैं चैलेंज करता हूं
2014 से 2022 तक एक साल भी ऐसा है जो 9% टच हुआ हो? 8 साल से आप फेल हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पड़ोसी कह रहा है कि आप टॉप हो जाएंगे? ये धोखा देना बंद कीजिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि मुलायम सिंह जी जिन्हें ये कहा था, गोधरा से गुजरात दंगों के सूत्रधार, दिल्ली दंगों के सूत्रधार, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर गोली वारो सालों को नारे लगवाता है और वो लोग हमें बता रहे हैं कि इस देश में सबका साथ सबका विश्वास होना चाहिए और हम मान रहे हैं। इसीलिए अगर देश के प्रधानमंत्री में सबसे ज्यादा झूठ बोलने की और उसको उसपे लोगों को कन्विंस करने की क्षमता है तो वो नरेंद्र मोदी जी में है और उसके बाद उनके प्रवक्ताओं में है। जहां पर जब मैंने मीडिया के बारे में कहा, मैंने कहा सरकार की शह पर मीडिया दिखाता है, तो सुधांशु जी ने से मीडिया को डिफेंड किया और मीडिया ने सरकार को डिफेंड किया। इसका मतलब एक घालमेल है कि इस देश में जब बेरोजगारी का संकट है, महंगाई का संकट है, गलवान में जो हमारे सैनिकों ने शहादत दी, 24 घंटे तक ये सरकार मौन रही थी। उससे 2 दिन पहले सरकार के रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली अटेंड कर रहे थे। इन लोगों के पास न देश की सुरक्षा का कोई 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 मिसाल है, न कोई प्लान है। 6 साल तक चीन के साथ झूला झूलने के बाद धोखा खाने के बाद आपने सवाल खड़े किए, सुधांशु जी जवाब देंगे, सुधांशु जी जवाब देंगे। ट्रेड है वो $100 बिलियन से ज्यादा है। मेरे पास सिर्फ 60 सेकंड का समय बाकी है सुधांशु जी, सुधांशु जी जवाब देंगे। घनश्याम तिवारी जी समय कम है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। चलिए अब इनको ध्यान नहीं आ रहा था तो मैं इन्हीं का जवाब देता हूं। मीडिया की बात करते हैं, घनश्याम तिवारी जी, यूपी के 2 बड़े अखबारों के ऊपर बाकायदा हमला किया गया था, चूंकि मुलायम सिंह जब सीएम थे उनके खिलाफ खबर छप गई थी। डेट बता दे रहा हूं, 13 सितंबर 1994, और दोनों हिंदी के अखबार थे। बात करते हैं फ्रीडम की बात, मान्यवर, और मुलायम सिंह जी ने कहा मैंने मरवा दिया। मैं चैलेंज करके कहता हूं किसी भाजपा के नेता ने कहा हो कि हमने मरवा दिया था इतने लोगों को, और इतने भी मर जाते तो गम नहीं था। इसलिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों की बातों को भूलने का प्रयास करिए बजाय इसके कि आप डिफेंड करने का प्रयास करें। और अंत में मैं कहता हूं, ये लोग जो भी कहना हो कह ले, देश आज मोदी जी के उस परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहा है, संपूर्ण विश्व उसको स्वीकार कर रहा है। यहां जिसको जो कहना हो कह ले, सिर्फ एक पंक्ति कहकर बात समाप्त कर रहा हूं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। सुधांशु जी, आप जब भी पंक्तियां अपनी कहते हैं उसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाता, लेकिन जाने से पहले क्योंकि 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, 30 सेकेंड सबा नकवी, 2024 में हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, हम डिबेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, पर 2024 में कोई विकल्प है नरेंद्र मोदी का? देखिए, कांग्रेस से तो कुछ भी नहीं है, जीरो, और अभी भी रीजनल पार्टी मजबूत है अपने इलाकों में, लेकिन नेशनल नैरेटिव नहीं बनता। आपके खुद के आंकड़े कह रहे हैं कि नंबर 2 पे शायद अरविंद केजरीवाल है, लेकिन उनके पास इमेज है लेकिन पार्टी नहीं है। कांग्रेस के पास okay. पार्टी है, लेकिन वो लीडरशिप उसका सत्यानाश कर रही है। अभी आपने राज्यसभा देखा, मजाक बन गया है कांग्रेस पार्टी, तो हम कहें क्या। इसलिए मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं,